अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के सामने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। इस दौरान ममता बनर्जी के खिलाफ नारीबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि संदेश खाली में महिलाओं का यौन शोषण हुआ और ममता बनर्जी आरोपियों को बचाने की कोशिश करती रहीं, इसलिए किसी भी सूरत में महिलाओं का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य हरिओम पंडित ने बताया कि यदि बीजेपी का भी कोई बड़ा नेता महिलाओं का शोषण करेगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका विरोध करेगी। एबीवीपी सामाजिक समस्याओं को उठाती है, साथ ही जब उनसे सवाल पूछा गया कि हरियाणा सरकार में मंत्री रहे संदीप सिंह के खिलाफ क्यों नहीं प्रदर्शन हुआ, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी प्रदर्शन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सामाजिक मुद्दों को उठाती रहेगी। ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से एक मामला सामने आया है, संदेश खाली नामक एक जगह के गांव के अंदर, जगह के अंदर जो है महिलाओं के साथ पिछले कई वर्षों से उनके साथ यौन शोषण का मामला, हर प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा था, ऐसा मामला सामने आया है। गांव की महिला, ताजू की बात है, गांव की महिलाएं झाड़ू डंडे लेकर निकली एटीएमसी कार्यकर्ताओं के लिए, उनकी पार्टी को बदनाम इसके लिए कि उन्होंने उनके साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया महिलाओं के साथ। ममता बनर्जी सरकार ने उन आरोपियों को बचाने का कार्य किया है, उन महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ उनका जो है पक्ष ना लेकर उनके साथ जो जिन्होंने काम किया उन जैसे आरोपियों को बचाने का काम ममता सरकार कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 दिन छात्र हित, समाज हित और देश हित का कार्य करती है, उसी को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा रोहतक की इकाई ने आज यह पुतला दहन ममता सरकार का किया है।